हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आज आप लोगों को इस जुड़े बताऊंगा फेसबुक में आप स्टोरी को कैसे हाई क्वालिटी पे अपलोड करोगे, मतलब आपका जो फोटोज है या आपका जो वीडियोस है वो जब आपने डालते हो अपने फेसबुक स्टोरी पे तो वहां पर क्या होता है, आपका जो क्वालिटी है बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है और आपका जो फोटोज है या वीडियोस है जो आप स्टोरी पे डालते हो वो बहुत ही घटिया लगते हैं देखने में। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे उसे मैं बताऊंगा और एक नहीं दो दो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और आपका जो स्टोरी है वो आप हाई क्वालिटी पे अपलोड कर सकते हो अपने फेसबुक में। सो उसके लिए चलते फोन के स्क्रीन पर, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या करना है क्या नहीं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फेसबुक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे आप जब जाओगे तो नीचे आने के बाद आपको सेलुलर डेटा यूजर्स लिखा है तो यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका जो डेटा सेवर है इसमें आपका टिक होगा, ठीक है। तो आपको इसको नहीं करना है, आपका फर्स्ट नंबर पे जो ऑक्टोपस है तो यहाँ पर आपको ओके करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आपका जो डेटा सेवर है यहाँ पर आप ओके करके रखोगे तो आपका जो क्वालिटी है उसका 40% क्वालिटी डाउन हो जाएगा फिर अपलोड होगा। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है आपका क्वालिटी मतलब आपका जो नेटवर्क है वो अगर अच्छा होगा तो आपका ओरिजिनल क्वालिटी में अपलोड होगा। तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट नंबर पे जो ऑप्शन है इसको आपको टिक कर लेना है, ठीक है। सो इस सेटिंग्स को करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप क्या करोगे, आपको करना है क्रोम ब्राउजर को ओपन, ठीक है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आप FB लिखोगे, फेसबुक लिखोगे तो फेसबुक का जो वेबसाइट है वो आ जाएगा। फिर ओके करके फेसबुक को ओपन कर लेना है। तो वहाँ पर अगर आपका फेसबुक ऑलरेडी लॉग इन नहीं होगा तो वहाँ पर पासवर्ड और यूजर नेम देने के लिए बोलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना है, फिर लॉग इन कर लेना है आपको क्रोम ब्राउजर में आपका जो फेसबुक है उसको। फिर आपको वहां से स्टोरी डालना है, ठीक है। मतलब आप फेसबुक ऐप से स्टोरी डालते हो तो आपको फेसबुक ऐप से स्टोरी नहीं डाल के आपको क्रोम ब्राउजर में जाके वहां से आपको फेसबुक का जो स्टोरी है वो डालना है। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका जो क्वालिटी है ओरिजिनल क्वालिटी में अपलोड होगा आपका स्टोरी। तो ये दोनों चीज करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो एक बोनस टिप्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि आप जब फेसबुक से स्टोरी डालते हो फिर अगर आपका जो ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है मतलब क्वालिटी डाउन हो रहा है बहुत ही ज्यादा बहुत ही घटिया हो जा रहा है अपलोड करने के बाद, सो आप फेसबुक से स्टोरी डालते हो तो आपको फेसबुक से स्टोरी ना डाल के आपको इंस्टाग्राम से करना है, ठीक है। सो वहाँ पर ऑटोमेटिकली फेसबुक में भी अपलोड होता है तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी डालना है जो स्टोरी देना चाहते हो फेसबुक में। सो इससे भी क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि फेसबुक से डालने से क्वालिटी डाउन हो जाता है लेकिन इंस्टाग्राम से डालने के बाद वो क्वालिटी डाउन नहीं होता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, अगर आप इंस्टाग्राम से डालते हो फिर क्वालिटी डाउन होता है तो फेसबुक में डाल सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक होगा तो ही आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। अगर नहीं है, अगर आप चाहते हो कि कैसे लिंक करें फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक साथ कैसे जोड़े तो इस टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ये तीन चीज करोगे तो 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर वीडियो देना एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आएगा उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के मिल जाएगा। सो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।